अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर। अम्मू क्या कर रही है तू? पापा के लिए चाय लेके गई थी। अरे अरे बेटा, ऐसी हालत में अब तुम्हें भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। सही कह रही है, भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए तुझे। अमिता, तूने तो कुछ लिया ही नहीं। ऐसी हालत में तो हर घंटे कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए। अम्मू जी, अभी तुम्हें बाहर का बिल्कुल नहीं खाना। मीता बेटा, रात को दही मत खाना, ठंड लग जाएगी। ओके, अब तुम्हें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। भाई भगवान ना करे, अगर तुम बीमार पड़ गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और पता है तुम्हें, प्रेगनेंसी में आप ज्यादा दवाई भी नहीं खा सकते। देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना तुम्हें गाइड करने के लिए। हम बता देंगे क्या खाना है क्या नहीं। पपीता पपीता मत खाया। टीना जी, आजकल तो डॉक्टर्स पपीता भी खाने को कहते हैं। अरे पपीता तो ठीक, अनानास नहीं खाना चाहिए। और हाँ, हर रोज 14 घंटा सोना जरूरी है। नहीं नहीं, अगर 14 घंटा सोएगी तो बच्चा भी आलसी होगा। रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं जोजे, इससे तो अच्छा थोड़ा सा योगा कर ले। नहीं 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 किरिक भाई, बतुल बेटा, नहीं एक्सरसाइज भी नहीं, योगा भी नहीं, कुछ नहीं, पूरा आराम करना चाहिए, है कि नहीं? एक मिनट, देखिए बहुत सारी बातें हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो डॉक्टर बोले वो करना चाहिए, है ना? हाँ अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमिता, मेरी पहचान की एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर गायतोंडे। अरे अमित की डिलीवरी भी तो उसी ने की थी। अमित के बच्चे की डिलीवरी भी वही करेगी, उसी के पास जाएंगे हम। हाँ मत कहना। तो अमिता, मैं बात कर लूँ उससे? अरे बोलो ना जल्दी, मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, ठीक। हेलो फाल्गुनी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। मम्मी की हर बात पे हाँ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं शिल्पा के डॉक्टर से बात करता हूँ। प्लीज, मैं मम्मी जी की बात कैसे टाल सकती थी? आप भी होगा थी मैम, अभी क्या इंतजार कर रही हैं? जी जी चल, अभी सिर्फ फाल्गुनी जी अंदर जा सकती हैं। पर प्रेग्नेंट तो मैं हूँ। वो तो पता है, लेकिन पहले आप दूसरे कमरे में जाकर ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट? उससे तो खून निकलता है ना। देखिए ब्लड टेस्ट होते रहेंगे, पहले डॉक्टर से तो जाके मिल लें। ये लेडीज मैटर है, आप परेशान मत होइए, ये लेडीज सब संभालेंगी। अरे अमित, तुम जाकर शांति से बैठ जाओ, ठीक है? पर मम्मी ये अमित, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए डॉक्टर से डरना बिल्कुल मत, सारे सवाल पूछ लेना, मैं यहीं पे बाहर वेट कर।
माफ करना, मैं पिछली किटी पार्टी में आ नहीं पाई, बहुत काम था। पर पार्टी में हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे, अगर आप आती तो अच्छा होता। अगली बार जरूर आऊंगे। डॉक्टर वो आपसे पूछना चाहती थी कि हाँ एक मिनट। अरे फाल्गुनी, आजकल सिल्क की प्योर साड़ी नहीं मिलती है ना? मैंने घाटकोपर की सबसे बड़ी दुकान में भी चेक किया, लेकिन अच्छा माल तो आजकल मिल ही नहीं रहा है। हाँ सब जगह मिलावटी हो रही है ना, इसलिए नहीं मिलती साड़ी। डॉक्टर अमिता को आपसे कुछ पूछना था। अमिता पूछो बेटा। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा, अभी तो सिर्फ 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। हरी सब्जियां खाओ और कम मिर्च मसाले का बोरिंग खाना आजकल वही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, समझे? अपना ध्यान रखना और सब ठीक हो जाएगा। जी अब अच्छा डॉक्टर, मुझे ये पूछना था कि मैं करवट लेकर सो सकती हूँ या सीधा सोना पड़ेगा? फाल्गुनी आजकल के बच्चे बिना पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं ये सब चीजें। तुम्हें याद है जब अमित की डिलीवरी के समय तुम मेरे पास में आई थी, कोई सवाल जवाब नहीं। और हाँ तुम्हारी बात, वो तुम्हारी जो देवरानी थी उसका भी तो लड़का हुआ था ना? हाँ रोहन। अब डॉक्टर क्या मैं वॉक पे जा सकती हूँ या योगा कर सकती हूँ? अमिता ये सब आजकल के नए चोंचले हैं, अच्छे से खाना खाओ और आराम करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, समझे? बस तुम्हें सिर्फ 2 ही काम करने हैं अगले 9 महीने तक, खाओ पियो और आराम करो, ठीक है? और किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ फाल्गुनी, तुम्हें याद है मेरा वो ब्रदर था? अरे वही दिल्ली वाला? हाँ वो आ रहा है और उसके साथ में मेरी भांजी भी आ रही है, उन्हीं के लिए ये स्वेटर बुन रही हूँ, वरना मुंबई में सर्दी पड़ती कहाँ है। डॉक्टर मुझे एक और बात जाननी थी कि मैं विटामिन्स और कैल्शियम की गोली लूँ, मतलब आप जो सजेस्ट करें। गोलियाँ नहीं, लेकिन एक सजेशन देती हूँ बेटा। जी ये जो इंटरनेट से पढ़कर जो अपने डॉक्टर से सवाल जवाब कर रही हो ना, ये बंद करो। पिछले 27 सालों से डिलीवरी करवा रही हूँ, जितना मैं कहती हूँ उतना ही करो तुम, घबराओ मत। अब तुम मेरे पास आई हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इसकी पहली डिलीवरी है ना, पहला बच्चा है तो थोड़ी सी नर्वस है बस। आप चिंता मत कीजिए, आप जो कहेंगी जैसे कहेंगी ये वैसा ही करेंगी। अब बताओ कैसी लगी मेरी डॉक्टर? ठीक है, मैंने कहा ना डॉक्टर गायतोंडे बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनके बर्ताव और रहन सहन पर बिल्कुल मत जाना, बहुत अच्छी है। और काफी सालों से भी जानती हूँ मैं उन्हें, हमारे बिल्कुल परिवार जैसे ही हैं। अमिता कैसा रहा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? हाँ हाँ हाँ, इसके सारे सवालों के जवाब इसे मिल गए। मैंने कहा ना मैं, अमिता और उसका बच्चा दोनों बहुत अच्छे हाथों में। भाई अपनी बहू को मैं किसी भी ऐसे वैसे नौसी के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी क्या? नहीं मम्मी। अमिता अब खुश है ना? हाँ खुश हूँ। देखा कहा ना मैंने, बहुत अच्छी डॉक्टर है। अमिता आप ठीक है? अमिता ठीक है? हाँ ऐसे वक्त में डॉक्टर ने क्या कहा था करने को? वो लाइम जूस पीने को कहा था। अमिता आपने डॉक्टर को बताया क्यों नहीं कि नींबू से आपको एसिडिटी हो जाती है? ओ हाँ बताया। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा पानी पीने को कहा।
बस अमिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? सच बताया कि आपने डॉक्टर से नहीं पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बताइए चुप क्यों है? हाँ नहीं पूछा। अब वो मुझसे बात ही ऐसे कर रहे थे कि मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ पूछूं। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी जी नहीं वो डॉक्टर ही मेरी सास हो। मुझे पता था कि आप यही करेंगे। मैंने आपको 10 बार समझाया कि शिल्पा भाभी के गायनोकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन नहीं, आप तो क्या ना कि दुनिया की सबसे महान बहू है, बस आपको सिर्फ हाँ कहना आता है, ना कहना तो आपको आता नहीं। हाँ तो मैं क्या करती, मम्मी जी की बात काट देती। अमित मुझे मम्मी जी की फीलिंग्स की फिक्र है, आपकी तरह नहीं कि उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचूं ही ना। मुझे मम्मी की फिक्र नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो आपने कहा। अच्छा तो आपने क्या कहा समझाइए। अमित आपको ना कोई कुछ भी नहीं समझा सकता, आपको जो करना है जाके कीजिए, जो समझना है समझिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको। आपके आपके एक दिन दांत में दर्द हो गया था तो आपने पूरा घर सर पे उठा लिया था। मुझे 9 महीने सब झेलना पड़ेगा, मुझे इतनी तकलीफ हो रही, लेकिन फिर भी आपको इस चीज की चिंता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपने जान दीजिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ बटू, हाँ गायनेकोलॉजिस्ट के साथ क्या हुआ? होना था क्या, मम्मी ने डॉक्टर गायटुंडे का नाम ले लिया और अमिता ने मेरे मना करने पर भी हाँ कर दी। भुगत रही है अभी, सुनती नहीं है ना मेरी बात, हर बात पे बस झगड़ा करने लगती, भड़क जाती है। अमित सुन, अब तुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक प्रेगनेंसी में लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, एक पल गुस्सा एक पल खुशी, और अगर अमिता कोई फैसला नहीं ले पा रही है तो तू उसके लिए फैसला ले। फिकर मत कर, मैं तुझे शिल्पा की डॉक्टर का नंबर SMS कर रहा हूँ, तू उनसे बात कर। हाँ बात करता हूँ, थैंक्स बाय। डॉक्टर अमिता शाह की रिपोर्ट आ गई। लो दिखा। अरे रे, क्या कर रही हो अमिता? हाँ ये सब तुम्हें खाना मना है, तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया मैंने, शुद्ध देसी घी की खिचड़ी, इसे खा लेना और वो आइसक्रीम भूल जाना। मी, आइसक्रीम भूलने की जरूरत नहीं है अमिता, अब आइसक्रीम खा सकती है। और सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, चाट पापड़ी ढोकला पिज्जा सब कुछ अमिता खा सकती है, वॉक पर जा सकती है और उल्टी होने के बाद पेट के बल सो भी सकती है और जितनी मर्जी आए उतना सो सकती है। एक सेकंड, ये सब तुमसे किसने कहा? एक डॉक्टर ने, जो आज के जमाने की और बहुत अच्छी है। अमिता बीमार नहीं, अमिता प्रेग्नेंट है। अमिता को एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए, बीमार वाली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। मम्मी जमाना बदल गया है और साथ साथ में डॉक्टर की सोच भी, और आपके डॉक्टर गाइड होने की तरह नहीं तो पुराने तरीके से लोगों को सलाह देती है। इसका मतलब तुम दूसरे डॉक्टर को मिलने गए थे? हाँ, क्योंकि अमिता और बेबी दोनों के लिए मैंने सही समझा। अमिता, इसका मतलब है कि अमिता मेरी डॉक्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक से कोई बात नहीं तो बस, अगर ऐसा है तो फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास क्यों गया अमिता? मम्मी को एक बार कंसल्टेशन नहीं, पूरे 9 महीने का रिश्ता बन जाता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच, और वो रिश्ता तभी बनता है जब डॉक्टर और पेशेंट दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। और अमिता आपके डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। मैंने से कब कहा? बस अमिता, कोई जरूरत नहीं मम्मी की हर बात में हाँ मिलाने की। हेलो
कौन होती हो तुम दोनों के मामले के बीच दखल देने वाले? जो करना है करो, जिस डॉक्टर के पास इसे ले जाना है ना ले जाओ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हेलो, कौन? क्या मैं फाल्गुनी से बात कर सकती हूँ? मैं डॉक्टर गायतुंडे बोल रही हूँ। जी एक मिनट। मम्मी, डॉक्टर गायतुंडे का फोन है, आपसे बात करना चाहती हूँ। तो तुम ही बात कर लो ना, मुझे बात करने की क्या जरूरत? और वैसे भी जब सारे फैसले तुम ही ले लेती हो तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और हाँ, आज के बाद मेरे हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक। हेलो 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 जी मैडम। अमिता या अमित में से जो भी रिपोर्ट लेने आता है उन्हें बता देना कि अमित का ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ सीरियस है क्या मैम? हो सकता है या शायद नहीं भी, ये तो अमित की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। याद से बता देना, भूलना मत, समझी? अगर आपको इसी तरह से रहना ना अमिता, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास हम पहली बार जा रहे हैं, डॉक्टर क्या सोचेगा हमारे बारे में? मतलब ये अमिता कि सुबह से आप मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही, पहली बार हम डॉक्टर को मिलने जा रहे हैं, क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम खुद ही बच्चे की तरह सारा दिन लड़ते रहते हैं और बच्चा पैदा करने निकले। अमित, बचपना आप कर रहे हैं या मैं? किस तरह से बात की आपने मम्मी जी से? बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? वाह, और मम्मी जो अपनी बात पकड़े बैठी हुई थी कब से? ये तरीका है बच्चों से बात करने का? अमिता, मैं ऑलरेडी बेबी को लेकर इतना परेशान कि बेबी आने वाला है, हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बेबी का फ्यूचर प्लानिंग, उसका भविष्य सब कुछ देखना पड़ेगा ना। और मैंने तो ये भी सोच के रखा है कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। अमित, आपको क्या लग रहा है कि मम्मी जी ये सब के बारे में नहीं सोच रही? मम्मी जी बेबी के बारे में हम दोनों से ज्यादा सोच रही। वो जो कुछ भी कर रही है वो आपके, मेरे और बेबी के भलाई के लिए तो कर रही। चलिए, हो सकता है कि आपको मम्मी जी की किसी बात का बुरा लग गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उनसे इस तरह से बात करें। अब आप ही बताइए कि हमारा बेबी बड़ा हो जाएगा और आपसे इस तरह से बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा बाबा, मैंने गलती, घर वापस आकर मम्मी को सॉरी बोल दूं। वो भी मेरे कहने पर? नहीं अमिता, मैं जानता हूँ कि मैंने मम्मी से बदतमीजी से बात की है, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब एहसास हो रहा है मुझे। अब चले वरना लेट हो जाएंगे। हाँ चले। रोज देश पांडे। अमित चलिए यहाँ से, मैं ये डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, चलिए। क्या, क्यों, आप कैसी बातें कर रही हैं अमिता? शिल्पा भाभी ने कितनी तारीफ की इस डॉक्टर के बारे में। नहीं अमित, चाहे ये वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर है पर इनके पास नहीं, कोई और डॉक्टर पर यहाँ से चलिए प्लीज। किसी आदमी से मैं अपना चेकअप कैसे करवा सकती हूँ? प्लीज समझिए अमित, चलिए यहाँ से। अच्छा आप समझा, लेकिन अमिता लोगों ने बहुत तारीफ की इस डॉक्टर के बारे में, आप पक्का नहीं जाना चाहती? हाँ पक्का, मैं इनके पास नहीं जाना चाहती। ठीक है, वापस चलते। मिस्टर एंड मिसेस शाह, आई एम सॉरी आप लोग को काफी वेट करना पड़ा, एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया था। डॉक्टर सरोज देश पांडे। आइए आपका चेकअप कर लेते हैं। अमिता एक मिनट, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर शाह आप कहाँ जा रहे हैं? प्रेगनेंसी के बारे में सारी बातें जानना आपके लिए भी जरूरी है।
प्लीज आइए। चलिए। आप लोग को क्लिनिक ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट मेरे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई मेल डॉक्टर है। अक्सर मिस्टर सरोज के लिए फोन आते रहते हैं। आई होप आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बेसिक चेकअप कर लिए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। आप लोग का ये फर्स्ट बेबी है, तो मैं आप लोग को एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी सिर्फ माँ के लिए ही नहीं, पिता के लिए भी एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। इसे इंजॉय कीजिएगा, ना कि इसे किसी बीमारी की तरह सोचकर टेंशन या स्ट्रेस में आइएगा। ये 9 महीने आप दोनों के लिए बहुत यादगार साबित होंगे। कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर।